उल्टा है। DIY की बोल रही हूँ मैं। हाई यू गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। माई नेम इज खुशी एंड जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि DIY इंग्रेडिएंट्स यू शुड अवॉइड, ये वीडियो कुछ अलग है, मतलब ये भी DIY से ही रिलेटेड है। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माई टॉप 5 DIYs, क्योंकि मैं DIYs करती रहती हूँ घर पे कभी ना कभी, नहीं तो कभी वीडियोज के लिए। बट इफ़ यू हैव हॉर्मोनल एक्ने, आपका हद से ज़्यादा एक्ने, आपका पूरा फेस एक्ने से भरा हुआ है, तो प्लीज़ उसको DIY से ट्रीट करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि स्किन को और ज़्यादा ख़राब कर देगा। वही मेरे साथ हुआ था। मेरा लॉकडाउन के स्टार्टिंग में बहुत एक्ने था एंड मैंने उसी पे DIYs के, जिसकी वजह से स्किन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। एक्ने स्कार्स, डल स्किन, उन सब के लिए DIYs ठीक है, बट एक्ने के लिए नहीं। उसके लिए आप सीधा किसी डर्मेट के पास जाइए या फिर प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। सो इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो यू गाइज नो द ड्रिल, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी दबा देना, उतना टाइम नहीं लगता। एंड वन मोर डिस्क्लेमर दैट प्रोडक्ट्स, स्किन केयर एंड DIYs विच वर्क फॉर मी माइट नॉट वर्क फॉर यू एंड वाइस वर्सा, सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च। जैसे लेमन मुझे सूट नहीं करता बट काफी लोगों को करता है, तो इट्स अप टू यू। अगर आपको यूज करना है तो करो, नो वन इज स्टॉपिंग यू, तो डू योर ओन रिसर्च। सो हम सबको पता है समर्स आ चुके हैं, हद से ज्यादा गर्मी, हद से ज्यादा ह्यूमिडिटी एंड ऑयली स्किन वालों के लिए तो लिटरली बहुत खराब होता है समर सीजन। तो द फर्स्ट DIY विच आई लव द मोस्ट ड्यूरिंग समर्स इज मुल्तानी मिट्टी एंड कर्ड। सो इफ यू आर समवन विद ऑयली स्किन, आपकी स्किन को प्यार हो जाएगा उससे, क्योंकि वो पूरा कचरा निकाल लेगा एंड पूरा ऑयल डर्ट सब निकाल लेगा। बट उससे ये नहीं है कि आपकी ऑयल नहीं रहेगा स्किन पे, ऑयल प्रोडक्शन तब भी रहेगा क्योंकि ऑयली स्किन का वही है। तो मुल्तानी मिट्टी एंड कर्ड को आप मे बी वीक में 2 बार लगा सकते हो, उससे ज़्यादा उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। मास्क, फेस मास्क वीक में 1 to 2 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ वंस और ट्वाइस अ वीक एंड दैट्स इट। एंड लिटरली ठंडा दही जो फ्रिज में रखा हुआ था, अगर हम वो दही यूज़ करते तो स्किन पे इतना ज़्यादा इतनी ठंडक मिलती, क्योंकि हद से ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट इफ़ यू आर समवन विद ऑयली स्किन। एंड अगर आप नॉर्मल स्किन है एंड अगर आपकी और कोई भी स्किन है तो आप ट्राई कर सकते हैं। मे बी नॉट, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आई वुड सजेस्ट उसमें हनी मिक्स करना, क्योंकि हनी कहीं ना कहीं मॉइस्चराइजिंग होता है। बट मे बी अगर आपकी ड्राई स्किन भी है तो मे बी समर्स में भी ऑयली हो जाती है काफ़ी लोगों की, तो इट्स अप टू यू। अगर आप हनी सूट करें तो हनी यूज़ कीजिए, अगर आपकी हद से ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप कर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है जो कहीं ना कहीं एक्ने के लिए अच्छा होता है। सो द फर्स्ट DIY इज मुल्तानी मिट्टी एंड कर्ड। एज अ पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ एक्ने मार्क्स एंड स्कार्स, दिस DIY इज माय फेवरेट। एंड इसका क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं कर्ड सेम विच हैज लैक्टिक एसिड एंड टर्मरिक हल्दी। तो ये तो हम सबको पता है हल्दी कितनी ज्यादा बेनिफिशियल होती है डार्क स्पॉट्स एंड एक्ने स्कार्स इन सबको रिमूव करने में। तो इसको मैं यूज़ करती हूँ वंस अ वीक एंड मैंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी पोस्ट किया था उसके बारे में। सो यू गाइस कैन ऑल्सो फॉलो मी देयर, वहाँ भी मैं स्किन केयर से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड शेयर करती रहती हूँ। तो वही सेम हल्दी स्किन को पूरा बहुत ब्राइट कर देती है एंड पूरा ये एक्ने स्कार्स में आई वोंट से इतना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि मुझे अभी कितना टाइम हुआ है, मैंने इसको वापस अभी स्टार्ट किया जब पूरी ठंडियाँ चली गई तब मैंने जाके इसको स्टार्ट किया है टर्मरिक एंड कर्ड को, क्योंकि अब मेरा एक्टिव एक्ने है। लिटरली मेरे एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे 3-4 हैं, यहाँ पे 2 हैं, आई डोंट नो कहाँ से इतने सारे एक्टिव एक्ने आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं अभी थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करी, मैंने 1 वीक से नहीं किया क्योंकि ये एक्टिव एक्ने आ रखे हैं मुझे मेरे पीरियड्स की वजह से। एंड उससे पहले तो मैं रेगुलरली इसको मे बी वंस अ वीक टर्मरिक एंड कर्ड एंड जो मुल्तानी मिट्टी वाला है उसको भी वंस अ वीक ऑल्टरनेटिव करती रहती हूँ। मैं वीक में 2 से ज़्यादा बार फेस मास्क नहीं यूज़ करती। नेक्स्ट जो लिटरली मुझे प्यार है उस चीज़ से, दैट इज़ एलोवेरा जेल जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैं इसको हर दिन करती हूँ, मैं सुबह ब्रश करती हूँ एंड मैं अपना फेस वॉश करती हूँ एंड देन मैं इतना सा एलोवेरा लेती हूँ, वो लीफ बस इतना सा कट करती हूँ, उसके जो साइड के पार्ट्स हैं उनको कट करती हूँ एंड फिर मैं उसको मसाज करती रहती हूँ वो येल्लो पार्ट निकालने के बाद, क्योंकि वो येल्लो पार्ट इरीटेट कर देता है स्किन को। तो मैं उसको मसाज करती हूँ एंड फिर मैं उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ और मैं बस नॉर्मल पानी से धो लेती हूँ। मैं या तो इसको हर दिन करती हूँ बट जैसे मैंने बोला कि अभी एक्टिव एक्ने आ रखा है तो एक्टिव एक्ने पे एलोवेरा मुझे बर्न करता है, तो इसीलिए मैं नहीं कर रही, तो मैं इसको ऑल्टरनेटिव डेज पे कर रही हूँ। तो एलोवेरा भी कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो एक्ने के लिए भी बेनिफिशियल है एंड वो एक्ने मार्क्स एंड स्कार्स के लिए भी बेनिफिशियल है। एंड मैंने एक रील भी डाला था एलोवेरा जेल पे ही अपने इंस्टाग्राम पे, तो वो भी काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हम भी यूज़ करते हैं, इट्स बेनिफिशियल।
आप सबको पता है एलोवेरा कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आप चाहें तो इसको और किसी यू नो डीआईवाई में इंक्लूड कर सकते हैं, बट सीधा एलोवेरा भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बट मेक श्योर यू रिमूव दैट येलो पार्ट, नहीं तो बहुत इरिटेट हो जाएगी स्किन। नेक्स्ट इज बेंटोनाइट क्ले, एंड मैंने इसको रीऑर्डर किया है अमेजोन से क्योंकि मेरा एक खत्म हो चुका है। तो बेंटोनाइट क्ले भी मुल्तानी मिट्टी की तरह ही होता है, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रांग होता है यू नो फेस से पूरा ऑयल एंड डर्ट निकालने के लिए। एंड मैंने उसका एक पैकेट यूज कर लिया है, एंड मैंने उसको बालों पे भी यूज किया है क्योंकि मेरा हद से ज्यादा हेयर फॉल और हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा शैम्पू यूज करूँ, मैंने इतने सारे शैम्पूज चेंज कर लिए हैं बट नहीं, तो इसीलिए मैं बस बेंटोनाइट क्ले लेती हूँ एंड उसको कर्ड पे मिक्स करके मैं अपने स्कैल्प पे लगा लेती हूँ और वो पूरा डर्ट एंड जो भी ऑयल जो भी कचरा है सब निकाल देता है। एंड मैं सीधा फिर कंडीशनर लगा लेती हूँ, दैट्स इट। मैं कोई अभी फिलहाल शैम्पू यूज नहीं करी। तो बेंटोनाइट क्ले को मैं फेस पे भी लगाती हूँ एंड बालों पे भी लगाती हूँ, एंड फेस वो भी जैसा मैंने बोला मुल्तानी मिट्टी की तरह काम करता है, पूरा डर्ट एंड ऑयल खींच लेता है, बट उससे कहीं ना कहीं स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रांग है मुल्तानी मिट्टी से। सो इफ आर समवन विद ड्राई और नॉर्मल स्किन दूर रहें, अगर आपको ऑयली स्किन है तो आपको पसंद आएगा। एंड उसको वीक में एक बार से ज़्यादा यूज़ मत करना क्योंकि दो बार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जैसा मैंने बताया वो काफ़ी स्ट्रांग मास्क है। तो वही एंड द लास्ट DIY विच आई डू एवरी सिंगल डे, एंड ये थोड़ा अलग है, जैसे मैंने बोला DIY हर दिन नहीं करनी चाहिए, बट ये है आइसिंग माई फेस, यू नो आइस क्यूब लेना एंड पूरा मसाज करना, पर ये रेगुलर आइस क्यूब्स नहीं है, ये ग्रीन टी आइस क्यूब्स हैं। एंड मैंने इसके बारे में अपने ग्रीन टी वाले वीडियो में भी बताया है। तो ग्रीन टी आइस क्यूब्स, मैं जब सुबह उठते ही मेरा फेस बहुत ज़्यादा मोटा लगता है, एकदम सूजा हुआ लगता है, एकदम स्वेलिंग हो रखी होती है मेरे फेस में, मेरी आईज एकदम स्वेल रहती है, मेरे लिप्स पूरे चीक्स यू नो मैं वैसी ही रहती हूँ पूरी, सुबह उठते ही पूरा स्वेल रहता है। तो उसको डीपफ करने में काफ़ी ज़्यादा जो पफिनेस होती है आँखों के नीचे, इनको काफ़ी यू नो डीपफ करता है ग्रीन टी आइस क्यूब्स, एंड वो एंटी बैक्टीरियल भी है। एंड मुझे कुछ एज सच यू नो कुछ रिएक्शन नहीं हुआ उसका क्योंकि ग्रीन टी को हम फेस पे लगा रहे हैं, तो मुझे एज सच कुछ नहीं हुआ। एंड मैं नॉर्मली बस एक आइस क्यूब लेती हूँ एंड बस एक मिनट तक ही करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा यू नो सर में दर्द होने लगता क्योंकि हद से ज़्यादा ठंडी होती है आइस क्यूब तो नहीं, बट बस एक मिनट एंड दैट्स इट। एंड मैंने अभी रिसेंटली आज ही मैंने बाल धोए एंड इन पे मैंने ग्रीन टी जो उनका वाटर होता है यू नो ग्रीन टी का पानी, ग्रीन टी बेसिकली पानी क्या ग्रीन टी, एंड उसी से मैंने यू नो अपने बाल स्कैल्प साफ किया क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। मैं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मैं अपने फेस पे भी यूज़ कर रही हूँ एंड अपने बालों पे भी यूज़ कर रही हूँ। सो ग्रीन टी का आइस क्यूब्स आप हर दिन यूज़ कर सकते हैं, एंड अगर आपको वो नहीं पसंद तो आप नॉर्मल आइस क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ग्रीन टी आइस क्यूब्स बनाना काफ़ी ईजी है, बस पानी लीजिए गर्म पानी, उसमें ग्रीन टी डालिए, उसको 2-3 मिनट उबलने दीजिए एंड उसको स्ट्रेन कर लीजिए, एंड पानी को ठंडा होने के बाद आइस ट्रे में रख के फ्रिज में रख दीजिए एंड यू आर गुड टू गो, एंड हर दिन एक निकाल के आप कर सकते हैं आराम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड नीचे कमेंट करके बताना आपकी फेवरेट DIY कौन सी है जो आप वीक में करते हैं 2 दिन, इनके अलावा यू नो आपकी खुद की कौन सी है। एंड पैच टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, कोई भी DIY हो प्लीज़ पैच टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, उसके बिना कुछ मत कर लेना, नहीं तो स्किन लाल हो जाएगी या स्किन बैरियर खराब हो जाएगा एंड काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता है। एंड वन मोर एडवाइस, सेम एक्ने है तो DIY से ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, अगर एक दो एक्ने हैं इट्स डिफरेंट यू नो उनके लिए आप कर भी सकते हैं, बट अगर आपका जैसे मेरा हाल था, मेरा पूरा जॉ भर गया था, चीक्स भर गए थे, तो फिर DIY वोंट वर्क, बट स्टिल इफ इट्स योर चॉइस, अगर आपको फिर भी पसंद है, अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं अपने एक्ने पे DIY यूज करूँगा ठीक हो जाएगा, गो अहेड, इट्स योर चॉइस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।